नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। तो आज हम जिस भयावह घटना की बात करने वाले हैं वो केरल का है। केरल नरबली मामले में पुलिस ने बुधवार को चौंकाने वाले खुलासे किए। कुछ लोगों को इस बारे में पता भी होगा। पुलिस ने ये भी बताया कि बलि देने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने दो महिलाओं को बांधकर पहले टॉर्चर किया था। जी हाँ, तो केस की ओर बढ़ते हैं। केरल में दो महिलाओं की नरबली का मामला मंगलवार यानी 11 अक्टूबर को सामने आया। घटना 27 सितंबर की है। केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास के चलते डॉक्टर भगावल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने दो महिलाओं की गला रेतकर हत्या कर दी थी। फिर दोनों शवों के टुकड़े करके उन्हें दफना भी दिए थे। और माना ये भी जा रहा है कि उन टुकड़ों को 56 टुकड़ों में काटा गया था। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में एक तांत्रिक मोहम्मद शफी ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। यदि बात करें उस मानव तस्करी की जिसका नाम मोहम्मद शफी बताया गया है, वो एक मानव तस्करी भी था। तिरुवल्ला के रहने वाले डॉक्टर भगावल काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी लैला ने पेरुम्बूर में रहने वाले तांत्रिक शफी से कांटेक्ट किया। उसने कहा मानव बलि देने से ही भगवान खुश होंगे। उसने दो महिलाओं की बलि देने को कहा। साथ ही ये भी बताया कि वही बलि के लिए महिलाओं का इंतजाम भी कर देगा। वह मानव तस्करी भी करता था। पुलिस ने इस मामले में शफी को मुख्य आरोपी बनाया है। लालच देकर महिलाओं को लाया गया था मोहम्मद शफी द्वारा। आपको बता दें कि लैला ने फेसबुक के जरिए तांत्रिक से कांटेक्ट किया। तांत्रिक कलाड़ी और कंदतवारा की रहने वाली दो महिलाओं को पैसों और काम का लालच देकर तिरुवल्ला लाया। यहाँ से डॉक्टर दंपत्ति और तांत्रिक दोनों महिलाओं को लेकर पथनामथिट्टा के एलन्थूर गए। यहीं तंत्र साधना करके उन्हें बलि दी गई। एलन्थूर में ही दोनों महिलाओं को दफना भी दिया गया।